नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। आपको बता दें, थरवई एवं फूलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की वर्दी पहन अपने को दरोगा बताकर जनता को लगा रहा चूना। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से है। दरोगा बनकर कई लोगों से अब तक ले चुका है लाखों रुपए। आपको बताते चलिए, मामला बहुत ही दिलचस्प एवं गंभीर है। उत्तर प्रदेश के चर्चित प्रयागराज जनपद में प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट की वाहवाही इस समय खूब हो रही है और इसमें थरवई थाना चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, थरवई थाना क्षेत्र में इन दिनों धर्मेंद्र कुमार गौतम नामक व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहनकर अपने को दरोगा बताकर अर्थात फर्जी दरोगा बनकर क्षेत्रीय लोगों को पिछले कई महीनों से चूना लगा रहा। कभी किसी को गाड़ी दिलाने के नाम पर तो कभी नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जी तरीके से पैसा कमा रहा है, उनसे धन उगाही कर रहा है। इसकी जानकारी पीड़ित लोगों ने खुलकर बताई। पीड़ित लोगों में गोपाल भारतिया निवासी गारापुर एवं उमापति भारतिया निवासी गारापुर, इन दोनों व्यक्तियों ने कई बार में लगभग 50,000 से अधिक रुपए गाड़ी खरीदने और सरकारी सिक्योरिटी में नौकरी के नाम पर दरोगा जी को दिए। और जब इन लोगों को पता चला कि दरोगा जी फर्जी हैं, ना तो या कोई गाड़ी दिलवा रहे हैं ना ही कोई नौकरी लगवा रहे हैं, हम लोगों को गलत तरीके से जानकारी देकर हमसे धन ले लिए हैं और अब धौस जमाते हैं, या फर्जी दरोगा जिनका नाम धर्मेंद्र कुमार गौतम ग्राम दयालपुर फूलपुर निवासी हैं, जो कभी अपने निवास पर एवं कभी अपने ससुराल गदियानी में रहते हैं। पीड़ितों ने बताया कि हमने थरवई थाने में शिकायत किया लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या कुछ कहना है पीड़ित व्यक्ति का, यह सुनते हैं इस रिपोर्ट में। प्रयाग एक्सप्रेस में उसके लिए क्राइम डिपार्टमेंट हेड शिवम नंदन त्रिपाठी की रिपोर्ट। जी बताइए, आपका क्या नाम है और आपका पैसा किसने लिया है? मेरा नाम उमापति है, गांव गारापुर। ये वर्दी पहर के दरोगा के वर्तमान काल में बताए कि आपकी होम गार्ड में नौकरी लगवा देंगे या मोटरसाइकिल आपको एक दे दूंगा, और मेरा पैसा लेकर ये चंपत हो गए, अभी तक वापस आए ना। हम थरवई थाने में रिपोर्ट दिए हैं, इसके अलावा हम इनको दौड़ा करके एक जगह पकड़े भी, तो पकड़ में आए ये ननियानी गांव में सिकंदरा चौकी के समीप। फिर हमको पैसा देने के लिए बैंक में ले गया और बहरिया से चंपत हो गया, तो जो गाड़ी फर्जी इनकी पकड़ी गई पुलिस लिखा हुआ था, वो गाड़ी में संजना यादव के नाम से थी, हमने गाड़ी को जमा कर दिया बहरिया थाने में। तो क्या नाम है ये जो फर्जी दरोगा बन के ठहरते हैं वर्दी पहन के? हाँ, ये नागेंद्र कुमार गौतम बताते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? इनका घर है ये जलालपुर लगता है, जलालपुर दयालपुर लगता है जी। तो ये फिर दोबारा आप लोगों को मिला? कितने लोगों का ये पैसा लिया है लगभग? अरे कम से कम 2500 लोगों को पैसा लिया है। अच्छा, अपने को दरोगा बताता है जी, वर्दी में रहता है? हाँ, वर्दी पहनता है, वर्दी उतार भी देता है। अच्छा अच्छा, इस समय कहाँ होगा वो? इस समय अब जहाँ पकड़े थे वहाँ तो हम लोग गए दो बार। अच्छा अच्छा, और मिला नहीं, और कहीं रिश्तेदारी भग गया है। अच्छा, आपने थरवई थाने पे जब पत्र दिया तो कुछ कार्यवाही हुई? हाँ, दरोगा जी ये बताए कि अगर वो मिल जाए तो ढूंढ ले आओ उसको, हम लूट का मुकदमा लिखवा देंगे। अच्छा अच्छा, धन्यवाद।